ध्यान दो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने आपको एक बात बताई थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे। ये चार तरीके की होती है, रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मैं करा चुका हूँ। तीसरी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको उसी ग्राफ से मैं समझाऊंगा जो ग्राफ उस दिन कराया था मैंने आपको, जरा ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनाने पर या सॉल्यूट डालने पर डिक्रीज करता है। तो वेपर प्रेशर, यह है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का किसके साथ रिलेशन ले रहा हूं मैं? टेम्परेचर के साथ। इस ग्राफ को देखो आप, इस ग्राफ में यह है आपका प्योर सॉल्वेंट, और यह है आपका सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट जो है ना, उसका जो वेपर प्रेशर था वो अब गिर गया है, वो तो कुछ कम हो गया है, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको, उस वक्त आपने कहा था कि भैया यहां पर इसका इफेक्ट पड़ता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। ये पहले बॉइलिंग पॉइंट था जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्विलिब्रियम पे था, वो बॉइलिंग पॉइंट गिर गया, ठीक है। फिर आपने एलिवेट किया यहां तक लेकर आए वगैरह वगैरह, वो बातें मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा जो इसका वेपर प्रेशर है उसको आप रिलेट करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लेकिन इसकी एक स्टेज है जहां पर ये अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उस पर आ जाओ। देखो जरा एक और ग्राफ देखो, ये किसका है? ये इसका वो ग्राफ है जिसपे अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब पहले ये सॉलिड में कब कन्वर्ट हो रहा था? जब ये प्योर सॉल्वेंट था। यहां पर वो इसका ये पॉइंट था, इस वक्त टेम्परेचर कितना था? इस वक्त टेम्परेचर इतना था, ये था टेम्परेचर, ये था इसका टेम्परेचर टी नॉट एफ। अब इसका टेम्परेचर कितना है? टी एफ। तो टी नॉट एफ और टी एफ में डिफरेंस क्या है? अब टी नॉट एफ बड़ा है, याद करो कल वाले ग्राफ में टी नॉट डी छोटा था। मैं काम करता हूं दूसरे मार्कर से, उसको भी बनाता हूं उस ग्राफ को ग्रीन मार्कर से, आप जरा ध्यान देना। भगवान मालिक है मेरा ग्रीन मार्कर जाता कहाँ है मेरा। देखो ये है आपका वो टेम्परेचर जब ये था टी नॉट बी, टी नॉट बी, और ये वो टेम्परेचर है जब ये हुआ टी बी। अब टी नॉट बी और टी बी में डिफरेंस देखना, ये है आपका डेल्टा टी बी और ये था आपका डेल्टा टी एफ। खत्म कहानी। अब जरा ध्यान दो, टी नॉट बी बड़ा था टी बी से, याद रखना, और इस वक्त डेल्टा टी बी था टी बी माइनस टी नॉट बी। ये कल की बात है जो मैंने कल आपको बताया था टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट के लिए, लेकिन आज जो टी एफ वाली बात बता रहा हूं मैं, उसमें टी एफ बड़ा है टी नॉट एफ से। मतलब पहले जो टेम्परेचर था प्योर सॉल्वेंट का वो ज्यादा था पहला फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन बनने के बाद वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। बात को समझो, सॉल्यूशन बनने के बाद वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अगर सॉल्यूशन बनने के बाद वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो मैं इसको कहूंगा फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना या डिप्रेस होना, और वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो उसे कहा था एलिवेट होना। तो डेल्टा टी एफ जो अब आया वो आया टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। तो मेरे पास एक बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट आ गया, एक डेल्टा टी एफ का पॉइंट आ गया, ठीक है। अब क्या बचा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया हमारे को, प्योर सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। अब किसकी बात? और ये सॉलिड, इसको लिख लो, ये सॉलिड स्टेट के लिए है। ठीक है, अब क्या बचा? अब कल की तरह फिर से मैं, जैसे हमने बताया था टी डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, अब मैं कहूंगा डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कल हमने कहा था के बी, आज कह रहे हम के एफ।
केबी क्या था, एलिवेशन मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या वो मोलल नाम मोलैलिटी की वजह से आता है, यप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या है, डिप्रेशन इन कांस्टेंट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एनसीईआरटी इसको क्या नाम देती है अभी मैं देख के बता दूंगा आपको। उसके बाद बारी आती है किस चीज की, देखो एक बार ये देख लेते हैं एनसीईआरटी इसको क्या नाम देती है। डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक, नाम याद रखना कांस्टेंट केएफ। अच्छा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ एम, एम क्या है आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे किसके लिए, जैसे कल हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, बार हर बार एप्लीकेशन जो थी इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो थी मॉलिक्यूलर मास निकालो किसका, सॉल्यूट का। अब फिर से निकालेंगे, जरा इसको नोट करो जल्दी से, ये ग्राफ को नोट करो और मुझे जगह दो। देखो बीच में वीडियो रुक गई थी, फिर दोबारा बता देता हूँ। डेल्टा टी एफ मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ बाय के एफ मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, जो के एफ है वो क्या है आपका कांस्टेंट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हो उसको आप, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तीसरा, डेल्टा टी एफ को मैं कह सकता हूँ के एफ मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको खोलो। देखो क्या फॉर्मूला बनता है यहां से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को पकड़ लो आप, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को यहां से उठा के उधर ले गए के एफ, अच्छा 10^3 आपको पता है क्यों आया था, हमने पहले भी देखा था फॉर्मूले में, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए डेल्टा टी एफ। फिर से मैं आपसे वही बात करूंगा कि डेल्टा टी एफ यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास के साथ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा, ठीक। तो ये थी आपकी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को पता करने से पहले मुझे ऑस्मोसिस पता होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाते हैं, ऑस्मोसिस है क्या, ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के जाने का काम है, लेकिन किसका हायर कंसंट्रेशन किसका लोअर कंसंट्रेशन ये हम ध्यान नहीं देते। मैं आपको एक आसान सी बात बता देता हूं, साफ पानी से
गंदे पानी में सॉल्वेंट के जाने का प्रोसेस ऑस्मोसिस होता है। अब साफ पानी में कंटेमिनेशन यानी कि मिलावट यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसका उल्टा अगर मैं ये कहूँ कंसंट्रेशन लो है सॉल्यूट की या हाई कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, तो बात एक ही है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में जाना, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में जाना या लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में जाना, बात एक ही है। यहां पर सॉल्यूट बहुत कम था, मैं सॉल्यूट को एक कलर से दिखा रहा हूं, ब्लू कलर से, यहां पर सॉल्यूट बहुत कम था, यहां पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा था, तो वहां से वहां आया। इसका उल्टा, सॉल्यूट कम था तो यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा था ना, और यहां पर सॉल्वेंट कम था, तो आप ये कहो साफ पानी ना, हाँ ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे आया। इसका उल्टा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे आया, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दो, तो आप कहोगे ठीक है सारी बातें समझ में आ गई, ऑस्मोसिस हो रहा है, भैया जो बीच में टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई है इसका नाम तो बता दो। इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यह है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली एक ही डायरेक्शन में आने देती है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे ही आने देती है, ठीक है, या सॉरी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे ही आने देती है, या हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे ही आने देती है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये मॉडल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, कि भाई अगर यहां से जाना होगा तो धक्का मारने से गेट बंद हो जाएगा, यहां से जाने देगा, अलाउ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं जो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या मैं इसके खिलाफ काम करवा सकता हूं, जरा इधर आओ, ये है आपकी वही सेलेक्टिवली परमिट करने वाली मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट को हर सॉल्वेंट को आने जाने नहीं देती, सेलेक्टिवली जाने देती है कंसंट्रेशन के बेस पर, ठीक है। यहां है हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की, तो हर हाल में यहां से यहां जाएगा सॉल्वेंट, कहां लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर प्रेशर अप्लाई कर दूं, मैं यहां पर प्रेशर अप्लाई कर दूं और हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दूं सिर्फ, ठीक है, तो उस प्रेशर को क्या कहेंगे जो ऐसा काम कर दे, उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस को रोकने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ऑस्मोसिस उल्टा हो जाएगा, तो उल्टे ऑस्मोसिस को भी तो कुछ कहते होंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। जल्दी से इसको रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताओ बेटा, हाँ राघव, ये वही वाला ऑस्मोटिक प्रेशर है जो आपके वाटर प्योरीफायर में होता है, ठीक है। अच्छा, वाटर प्योरीफायर क्या करता है, उसमें साफ पानी से गंदे में जाता है, नहीं उल्टा, उल्टा करता है, वो गंदे पानी से साफ में कन्वर्ट करता है,
इसलिए उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, आरओ। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, ये हो गया आपका हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करती थी प्रेशर की, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते थे हम इसको। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखूं मैं, ठीक है, और इस इक्वेशन के हिसाब से मैं प्रेशर का फॉर्मूला देखूं तो वो बनेगा पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन में वी आर टी। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एक हमारे पास टर्म है, उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, चाहो तो आप इसको कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। फॉर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए आप पी को पाई रखोगे, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। एम क्या है? मोलैरिटी। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, इसकी वैल्यू आपको पता होगी 8.314। ठीक है, या 0.083, डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम की कौन सी यूनिट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन में आती रहेगी आपको। वैसे ही मैंने आपको प्रेशर की 6 यूनिट बताई थी जब हमने हेनरीज लॉ करा था। अब आगे बढ़ते और इस चीज को समझते हैं, पाइप को। ठीक है, एक फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, पाइप इक्वल्स टू एम आर टी। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर वही मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना, किसका? सॉल्यूट का। कैसे करें? इसको खोल दो, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी लो, पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर टी। नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर टी। मॉलिक्यूलर मास को आप लिख सकते हो गिवन मास वी आर टी पाई। फिर से पाई और गिवन मास का रिलेशन कैसा आया? इनवर्स। मॉलिक्यूलर मास फिर से इनवर्स के प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, और यहां से मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये कैसे पता चलेगा कि हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन है, सिमिलर कंसंट्रेशन है? तो उसके लिए हमने कहा तीन तरीके के सॉल्यूशंस की आप बात कर सकते हो। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो सिमिलर है, इधर का जो सॉल्यूशन है और इधर का जो सॉल्यूशन है दोनों की कंसंट्रेशन सिमिलर है। ठीक है, कोई भी किसी की भी कंसंट्रेशन हायर नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सिमिलर कंसंट्रेशन। मैं अभी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ दूंगा, और सिमिलर कंसंट्रेशन का एग्जांपल क्या है? 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड। इसलिए जो आपको इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं वो 0.91% NaCl के सॉल्यूशन में लगाए जाते हैं, आइसोटोनिक। अब मैं कहूँ हाइपरटोनिक तो उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, और हाइपोटोनिक तो उसकी कंसंट्रेशन लो होगी। अब मैं दो चीज़ों को कंपेयर करूँ और मैं कहूँ ये हाइपरटोनिक है। अब हाइपरटोनिक क्या है? 0.2 मोल शुगर सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू 0.1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। 0.2 मोलर शुगर सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक है 0.1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। उल्टा बोल दिया, ठीक है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, इसका उल्टा, 0.1 मोलर शुगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, हाइपो मतलब कम, हाइपोटोनिक है 0.2 मोलर शुगर सॉल्यूशन से। ठीक है, तो चीनी का घोल अगर 0.2 है तो ज्यादा हाइपोटोनिक है, और 0.1 है तो वो हाइपोटोनिक है, और अगर दोनों 0.1 के तो वो आइसोटोनिक है। तो तीन कैटेगरी बन गई। ठीक है, इसको मैं एनसीईआरटी में देखता हूं कहां लिखा है।
अगर बुक पुरानी है आपकी तो उसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 53 पे लिखी हैं बातें, देख लूँ यहाँ लिखी भी है कि नहीं। ऑस्मोसिस तो लिखा है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी लिखा है, भगवान ही मालिक है आइसोटोनिक और वो कहाँ चला गया। चलो इसको जब हम नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे इसकी। मिल गया आइसोटोनिक, द सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होता है, ठीक है। 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम, 0.9 बोला है ना हमने, कितना बोला है, हाँ 0.91%, ठीक है। 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड, ठीक है। अब इसके नीचे ही वो कहता है हाइपरटोनिक क्या होता है, सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, ठीक है। ऑन अदर हैंड इफ वी प्लेस द सेल्स इन सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9%, 0.9% से ज़्यादा में रख देंगे, 0.9% ज़्यादा मतलब हाइपरटोनिक में रख देंगे, हाइपरटोनिक में रख देंगे तो अपना पानी छोड़ देगा, हाइपोटोनिक में रखेंगे तो उसका पानी पी लेगा। अब ज़रा ध्यान दो, ये आपकी उंगली है, अब आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा नहा लेते हो, ज़्यादा नहाते हो किस में नहाते हो, या कपड़े धोते हैं, मम्मी वगैरह जो होती हैं वो कपड़े धोती हैं, तो आपने देखा होगा उनकी उंगलियाँ श्रिंक कर जाती है, अंदर जो पानी है वो छोड़ देती है। बाहर सोल्यूशन किसका है, सोप का सोल्यूशन है, सोप का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो सारा पानी बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। अगर हाइपोटोनिक होता तो अंदर की तरफ चला जाता, उल्टा ना बोल दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारी स्किन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। ऐसा ही कब होता है, जब हम देखते हैं इसको रेजिन, और हमारी भाषा में हिंदी में बोले तो किशमिश, किशमिश का दाना बिल्कुल सुखड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाहर कंसंट्रेशन अगर कम होती है, पानी होता है, तो उसका पानी अंदर की तरफ खींच